तेबेयन की खबरों में हमारे दोस्तों आज आपको याद की जाती हैं और आज एक बार फिर आप हर एक को अस्सलामु अलैकुम नमस्कार, सभी को राम राम आपको याद की जाती है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद में हैं भाई कि आप लोग सब कोई अच्छे से होइयो। आज एक बार फिर हमारे हिस्से में ये प्रोग्राम आ करके गिरा है क्योंकि साहिब शहीद अली अहमद आज नहीं आए, तो आज हमारा ये बारी है आपको खिदमत करने के लिए। तो आशा और उम्मीद में हूँ कि आपको पैगाम ज़रूर अच्छा लगेगा। और हमारे देश के जनता, खबरें हम आपके नाम पर रखेंगे तो आपको बता दें, दाखबलात सूरीनाम ने बयान किया है दी रेक्सी वेसलिंग पेस एस एन स्लंस हॉस्पिटल, तो दी रेक्सी वेसलिंग हो गया, माना कि सिखियाती सेंट्रम सूरीनाम पेस एस और स्लंस हॉस्पिटल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉलक्स का सौंथेत का, ये लोग कल मिनिस्टर एलियास, जी हाँ अंतवान एलियास के हाजिरी में ये सभन डायरेक्सी को वेसल किया गया है। या तो दया शंकर मथुरा जी जो पीसीएस का था, अब ये स्लंस हॉस्पिटल चला गया है, और राज जतनंदन सिंह नवा डायरेक्टर हो गया पीसीएस का, तो ये बात अखबार में आया और हम ही बात को आपके नाम पर रख दिए हुए हैं। तो अब ये दोनों बंदे इस क्षेत्र पर काफ़ी मशहूर हैं और ये लोग अपन काम को अच्छा से निभाते आए हैं, इसीलिए इन लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया, मतलब डायरेक्सी को वेसल कर दी गई है, तो बड़ा अच्छा है। और ये लोग अपन काम को इसी तरह से ज़ोर तोर से करेंगे। दयाशंकर मथुरा ये एक ज़माने में ये स्टार सिकाफोंस के डायरेक्टर भी रहे हैं, तो मेदी क्षेत्र पर और खसौन थेत के क्षेत्र पर ये आज से काम ना करे हैं। या तो देश के जनता, ये बात आप लोगों को बतावे के बड़ा नौदख रहा क्योंकि डायरेक्सी वेसलिंग हुआ है ना, तो दाखबलात सूरीनाम में यहाँ पर बयान करल है वक्न लेफ इन होप एंड स्टेरफ इन फरवाख्तिंग। 1 अक्टूबर को देश के जनता ई बतिया न भइल हैगा और प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली में दिन सियार 2023 को पेश फरमाइश है। तो देश के जनता न है तो इसबले का दत देश यारीद नित फेल न्यूज की रखैत हे फरोसाक ऑन द बफॉल्किंग। ई लिखा हुआ है दाखबलात में और मार्लोन रो संबलात यार रेदक के बारे में सामने रखीस, बोले कुछ नई बात तो सामने नहीं आया है ना, बोले हम लोग उम्मीद में ना जी सकते हैं भैया, या और उम्मीद को पूरा होने में हम लोग खत्म हो सकते हैं। तो ये बात अखबार में लिखा गया। सूरीनाम के जनता, तेबेयन की खबरों में आप लोग के नाम पर भी बयान कर देते हैं, मखसैन मेस्टर हंदल्स बदरैफ आन खहाउदा, पर हमारी बहू के सिपाही एक मखसैन मेस्टर को पकड़ के भीतर धर दे इस बा, हाँ धरोहर में जानो का है ई सामान गायब करे बा, फरदाख्त कुछ अपन ख्याल करते रहें बगैर इनको पता था, और बदरैफ वहाँ से सामान गायब करता था, ये इनका पेशा हो गया था, तो ये बांधे अंदर है ना, ये पकड़ा गया है और अंदर बैठल। वेरक नेमर दाखबलात सूरीनाम बयान करे हैगा वेरक नेमर माक साख मशीन बैठ, तो पता ना ही कम करतन का इतना चोर निकल गए भैया, उधर मखसैन में इसर चोरी कर इधर कम करता, बोमा के सिपाही फरदाश्तरें के केस में एक साख मशीन को गायब किया गया, फरदाख्त बोले हम जैतियों से काम करती मान, हाँ लेकर के फरार हो गया, या तो देश के जनता बिना लांत में छुपाई के धरे रहा, गिरफ्तारी होने के बाद अब मामला को छानबीन किया जाता है, तो पता नहीं देशवम का हो है, खाली चोरी चपाटी हो है भैया, सर से पांव तक खाली चोर, कहीं सूट बूट में चोर ना, हाँ कहीं मामूली चोर, भरल चोर, खवापंद रोफ ओवरफॉल इन वोनिंग ऑन द खुयाफ स्ट्रीट। तो देश के जनता, 5 गो क्रिमिनेलन सोमवार के सवेरे एक मकान में घुसे हैं खुयाफ स्ट्रीट में, और ये लोग बड़ा बवाल उठाए ने भैया, 5,000 SRD $500 लेकर के फरार भाए, जी हाँ
अलग अलग गाड़ियों में ये लोग भगिन हैं पुलिसी ऑफस्पोरिंग से बेसखबा देश जनता, हम आप लोगों से ये सब बातें बयान करे हैं ताकि आप लोग जाने कि आपके देश में हो क्या रहा है ना। अब दखबलात सूरीनाम लिखता है मिनिस्टर फेरिये प्रात फ्रेदख मैथ बेफेलन आएलस प्रेसिडेंट हंडल्ड लोन खदेलत आफ। तो देश के जनता बातचीत जो हुआ इसमें हम शुक्र अदा करते हैं सूरीनाम देश के फिस प्रेसिडेंट श्रीमान अश्विन अधीन को। ये दोनों बेफयाल आएलस और मिनिस्टर फिर ये एक दूसरे को काटने दौड़ते थे, ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन बोले ना हम मांगिल की तो लोग बात कर, हम चाहते हैं कि आप लोग बात करें लेकिन बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बातचीत हुआ या और बस्तूर बेफयाल आएलस वाले ई लोगन मिनिस्टर फेरिये से बात करी से एगो मैराथन फरखादरिंग रहा, हल्फ तीन शुरू हुआ और शाम में जा करके ख़त्म हुआ है। मिनिस्टर रोस्तक से बातचीत करी, खसप्रैक बहुत फ्रेदख रहा, बहुत अच्छा रहा। मिनिस्टर देयना से चल गए, ओके देयना के देयना में जाना था, नेशनल असेंबली के फरप्लिख्तिंग के वजह से वो चल गएगा और सबन दोनों बातचीत करी डायरेक्टर और अंडर डायरेक्टर मीन ऑफ के या इन लोगों के साथ। खसप्रैक के दौरान सबन बातचीत करी सेगा और भोपाल साकर मिनिस्टर बोलेगा ना हम लोगन लोन खदेलता प्रेसिडेंट बाउतर से बातचीत करेंगे। ओवर द लोन खदेलता या ओवर हैथ लोन खदेलता प्रेसिडेंट बाउतर से खुद आएलएस और बेफियाल से बात करेगा। तो देश के जनता देखो ना ये लोगन एक दूसरे से बात न मत रहा करे, लेकिन फिर प्रेसिडेंट बोले नहीं अगर आप लोगन बढ़िया से फलवासन की तरह बात करी हो तो बोले दौकांता की है कि ना। दखबलात सूरीनाम बयान करता है संतोखी बोले मेर दन फिर होंदत बदरैफ सैन अल खसलौतन फे हपे के फ्राक्सी लेदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये अपने आप से सवाल करे है कि प्रेसिडेंट देसी बाउतर से अपने यार रही दम में ना बैतलान से इन्फेस्टेरिंग के बारे में इतना लंबा लंबा छोड़ी सेगा बैतलान से इन्फेस्टेरिंग इन सिलेक्स एंकल बदराइफ इन सूरीनाम तरवेल इकोनॉमी से क्रिसिस जंदा आप खलो पर योदा एर फोर हेव का सौरख बोलो इकोनॉमी सा क्रिसिस के सबब से 400 बदराइफन से ज्यादा बंद हो गया ई प्रेसिडेंट के बलैत से। ई बतिया चंद्रिका प्रसाद संतोखी दखबलत से बतावेगा फिर यहाँ पे के लेदर फूर्त आन दत स्टार्ट सोफ इन एंकल होप एंड परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव हेव इन अक्टूबर बोले उम्मीद का कोई किरण ही नजर नहीं आया भैया है। तो सूरीनाम के जनता हम आप लोगन के नाम पर ये बात रख दिली है, दखबलात सूरीनाम में लिखल है मेर दन फिर हंदत मेर दन फिर हंदत बदरैफ सैन खसलौता मेर दन फिर हंदत बदरैफ गैल भाड़ में या ये बात चंद्रिका प्रसाद संतोखी बतैले हैं। सूरीनाम के जनता का बोली आप लोगन से, आप लोगन तो आंखें बंद कर रहे बाटो भैया, अकल के कोलू ना दिमाग जैसे लंबा छुट्टी पर चला गया है, आप लोगन के तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है भैया, पता ना है क्या हो गया है इस देश के, ये देश बीमार हो गया है, देश के जनता जैसे दिमाग चाट लिया है इस देश को, खा खा के धर दिए हैं भैया और अभी बोले हैं वी कैन डू द जॉब। सूरीनाम के छत्ता पता नहीं हम लोग के का बोली भैया, लेकिन आप लोग भी जैसे मौन व्रत रखे हुए हो भैया, मुंह खुलत ना है। अब पुकार अगर होता है हम किसी को भड़काते नहीं, लेकिन देश की हालत पे अगर पुकार होता है कि आओ हम अपने आवाज को उठाएं तो 5 से लेकर 50 लोग मौजूद होते हैं, उसका मतलब यह है कि देश की हालत एकदम उंदा है ना। तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाई अगर नहीं कि देश में यह हुआ देश में यह हुआ, क्योंकि अगर देश ठीक नहीं चलता तो आप लोगन हजारन के तादाद में मौजूद होते, लेकिन देश में तो सब हरी हर है का बोले ना। सूरीनाम के जनता खबरें देखो केंद्र बैसलाख के बारे में लिखल है हेत फलक लेत अंदर हेत रखे रिंग्स बलैत ओके ये तो लेतस न्यूज है। केंद्र बैसलाख ट्रैकर बोले ये बतिया मतलब जोन में नहीं लोग केंद्र बैसलाख पावे रखेरिंग इस फिया हेत मिनिस्टेरी फन सोशल साक एंड फलक सोइस फेस्टिंग दुरुक बेसख अख्तर सालख केंद्र बैसलाख आयत केरा
सूरीनाम के जनता बलंग हैबंदन के अंदर बैसलाख्त वे दाइसन सेफन तीन के लिए हैं लांटी ग्रोंग कॉम्प्लेक्स भाई हमें लांस वैक योहना दौलत पेंगस रात में जाए वह को आप दे लेंगे भैया मना ही लोगन बेचारन उम्मीद में है कि पैसा मिलेगा लेकिन अब लिखल है भी सब बोले अल बेचस हेल्प मकाहे रखेरेंग रेखल मात से काम ना कर पावे यार यह काहे हम लोगन के पैसवा अरे प्यारे भाइयों अभी आप इन ना उम्मीदों से उम्मीद लगाए बैठे हो का भले दिमाग घरे छोड़ के घुचलो है का श्री नाम के जनता खबरें आप लोगन के नाम पर भैया और हम आप लोगों से बता देला बेवफाओं से आप वफा की उम्मीद ना रखे प्यारे भाइयों क्योंकि आपको यही करना चाहिए कि आपकी आंखें जो है उसे आप खोलिए दिमाग के दरवाजे खोलिए और देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है केंदर बैसलाख का बोली भैया केंदर बैसलाख लड़कन एक भाव बना थे भाई जूका लोग के देखियो 15-20 लड़कन है ना? सरकार से वो लोगन के केंदर बैसलाख जो मिल रहा है तो इसलिए इन लोगन को लड़कन दगे जैसे बंदूक सूरीनाम के जनता नेखनन ताख्तखियार आर्य दिवाकर अब खपस्त वैसा खफीर्त तो इस दुनिया में जितने आर्य धर्म वाले हैं मतलब आर्य समाज वैदिक धर्म के मानने वाले भाइयों को हर एक को हम लोगों को सभी के धर्म सभी के मज़हब की इज्जत करना चाहिए तो यहाँ से तेबेन के तरफ से ना और अपने तरफ से भी नेखनन ताख्तखियार अखबस्तान आर्य समाज वालों को सभी आर्य धर्म मानने वालों को बहुत से बधाई पेश किया जा रहा है नेखनन ताख्तखियार आप लोगों को बहुत बधाई और प्रेम मोहब्बत पेश करते हुए आज के लिए हम ख़त्म करने से पहले ये भी बता दें आप लोगों से कि निवेरख फोंदवेख जी हाँ 224 पर राधे श्याम मंदिर लाया गया है जहाँ के फोर सेटर है श्रीमती अमृता केवल भान सिंह ये मफराओ गुजारिश करे है आप लोगों के लिए तैयार करी से आने वाले मंगर 9 तारीख अक्टूबर को विशाल कलश जल यात्रा या आप सभी नारियों को सभी को लेकिन खसूसन तौर पर विशाल कलश यात्रा के लिए सभी माँ बहनें जो हिस्सा लेना चाहते हैं इस यात्रा में तो आप को अगर हिस्सा लेना है तकरीबन 108 नारियों को माँ बहनों को इसमें हिस्सा लेने हैं सभी ले सकते हैं वानिका के जनता निवेरख फोंदवेख फ्रेडरिक सोपवेख आसपास के गली मखेंता कनाल सभी को पुकार है और अगर आप इस विशाल कलश जल यात्रा में हिस्सा लेना को चाहते हैं तो ज़रूर आप फिर आख्त फिर एन जी हाँ फिर फैफ पर तार कर सकते हैं और या तो फिर डबल आख नौ फिर आख्त फैफन नेगंतक 48 41 45 या तो फिर 8804 895 से आप तार करें और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और विशाल कलश यात्रा के बाद तुरंत नवरात्रि का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा आप सभी को आज के प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सभी को राम राम और इंशाल्लाह जिंदगी रहा तो मुलाकात होगा शुक्रिया खुदा हाफिज़ हमारे भाइयों